मतलब ये पूरी प्री प्लान था, सुनियोजित षड्यंत्र था, और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूँगा। आरोप नहीं, ये सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर इन सब की साजिश से उस पर हमला हुआ। अगर हमारे साथी हमारे साथ नहीं होते, शायद मैं आपके सामने बात भी नहीं कर रहा होता, मेरा बेटा आपसे बात भी नहीं कर रहा था। ऐसा पागलपन मैं देखा नहीं, वो तो किसी हद तक जाने को तैयार थे, दरवाजों पर खड़े हो गए, उन्होंने लाठी डंडे खाए, तलवारें उनके हाथ में थी, तलवार नचा रहे थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशपाल आर्या और उनके बेटे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्या पर हुए बाजपुर में हमले को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है। यशपाल आर्या और संजीव आर्या पर हुए जानलेवा हमले के बाद जहां बाजपुर पुलिस ने कुलविंदर सिंह किंदा पर मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं हमले के बाद यशपाल आर्या ने इसके पीछे राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। पूरी प्री प्लान था, सुनियोजित षड्यंत्र था, और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूँगा। आरोप नहीं, ये सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर और जो कांग्रेस का जो एक नेता है, जो किसान नेता कहता है, ये उसका आजकल उसका ये कुलविंदर सिकिंदा उसका शागिर्द बना हुआ है। इन सब की साजिश से उस पर हमला हुआ है आज, और अगर हमारे साथी हमारे साथ नहीं होते, शायद मैं आपके सामने बात भी नहीं कर रहा होता, मेरा बेटा आपसे बात भी नहीं कर रहा था। यशपाल आर्या का आरोप है कि अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री के इशारे पर ही बाहुबली कुलविंदर सिंह किंदा ने अपने साथियों के साथ उनके और उनके बेटे पर हमला किया है। यशपाल आर्या ने कहा कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने के बाद राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा भी हटा ली थी, जिसके बाद उन्होंने खुद की जान को खतरा बताते हुए एक बार फिर सुरक्षा की मांग भी की थी। पुलिस को कल भी हमने पुलिस प्रशासन से हमने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ भी यहाँ पर हादसा होने की संभावना है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो किसान नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज भी संजीव ने आज भी सुबह इंस्पेक्टर बाजपुर को फ़ोन करके कहा कि आप इसको देख लीजिए, हम आ रहे हैं और यहाँ कोई हादसा होने की संभावना है, कोई दुर्घटना को या कुछ तरह का जानलेवा हमला हो सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन प्रशासन वहाँ पर 50 मीटर दूर पर उन्होंने हम पर हमला किया, पुलिस वहाँ नहीं थी, 2-3 पुलिस के लोग थे, लेकिन वो मूक दर्शक बने रहे। तो ये साफ तौर से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आने के पश्चात इन्होंने मुझे निशाने पर रखा है, हमेशा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले मेरे गनर को हटा दिया गया, मेरी सिक्योरिटी को हटा दिया। आपको बता दें कि बाहुबली कुलविंदर किंदा उधम सिंह नगर जिले का हिस्ट्री शीटर है। इससे पहले किंदा पर ट्रेनी डीएफओ पर हमला भी करने का आरोप लगा था, जिसमें कुलविंदर को जेल भी जाना पड़ा था। और एक बार फिर कुलविंदर सिंह किंदा पर यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या पुलिस ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करेगी या फिर दबाव में सिर्फ खानापूर्ति कर मामले को रफा दफा कर देगी।